पलवल जिले के हथीन शहर में सीआईजी की सूचना पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बालाजी लैब एवं एक्सरे लैब पर छापेमारी की और लैब संचालक को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने लैब से उपकरणों, लैपटॉप, प्रिंटर को भी बरामद कर लिया है। छापेमारी के दौरान टीम ने एक्सपायर डेट की किट भी बरामद की। जांच के दौरान पाया गया कि लैब संचालक के पास कोई डिग्री या डॉक्यूमेंट भी नहीं मिले। हथीन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हथीन के सिविल अस्पताल के सामने आज उस समय अड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने सीआईजी की सूचना पर बालाजी लैब एवं एक्सरे पर छापेमारी की। फरीदाबाद के जांच अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बालाजी लैब एवं एक्सरे संचालक के पास कोई डिग्री नहीं है। इसके बावजूद लैब पर एक्सरे व खून की जांच की जा रही थी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छापेमारी की और लैब संचालक सुतेन से लैब से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा। दस्तावेज पेश नहीं करने पर टीम ने उसे काबू कर लिया। टीम ने लैब संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि हथीन में बालाजी एक्सरे लैब डायग्नोसिस सेंटर जो चल रहा है, इसमें इनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये अपने मनमर्जी स्टैंप लगा के और साइन करके लोगों को दे रहे हैं, जो लोगों की सेहत के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। क्योंकि जिस इंसान को ये नहीं पता है कि उस लैब टेस्टिंग में क्या होगा और वो उसकी रिपोर्ट बना के दे रहा है, उस आधार पे डॉक्टर इनकी दवा दे रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर टीम बुला के और चेक कराया गया है। चेकिंग के दौरान ये ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं जिससे ये वैध डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट बनाने के लिए सक्षम। इनसे एक मनीष नाम करके डॉक्टर है, उनकी स्टैम्प मिली है, उनकी डिजिटल साइन जैसे एक स्टैम्प मिली है और कुछ दस्तावेज मिली जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। अभी डॉक्टर टीम ने मीमो सपोर्ट मीमो तैयार किया है, सारे डॉक्यूमेंट जो अपने कब्जे में लिए हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। हाँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी लैब से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है सभी को, जैसे लैपटॉप है और प्रिंटर है या इनके पास जो एक्सरे की संबंधित है, वो सारी चीज लेके और अपने सीलियर देके उनको पुलिस के हवाले करके आगम कार्रवाई की जाएगी। सत्य खबर के लिए पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।